अगर आप देखें दरियाए सिंध के बिल्कुल साथ, ये ज़िला दियामिर का इलाका है, लेकिन ये शित्याल के साथ जुड़ा हुआ है। ये सीधा रोड अगर आप देखें तो KKH गलगित के लिए और ये दारेल वैली के लिए है। इसे रूट हमने अलग-अलग कर दिया है और दारेल वैली हम पहुंचेंगे अभी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं दारेल रोड पर मौजूद हूँ। अगर आप मेरे पीछे देखें तो शित्याल शहर है, छोटा सा शहर है शित्याल, और ये KKH पर वाक़ है। ये जो ब्रिजेज आप देख रहे हैं, दो ब्रिजेज हैं, एक पुराना ब्रिज है तो वो नाकारा हो गया, दूसरा ब्रिज भी बना दिया गया है। तो ये दारेल के लिए KKH से शित्याल के मुकाम पर जो है ना ये अलहदा हो जाता है, और यहाँ से दारेल का सफ़र जो है, दारेल वैली कैसी है, वहाँ मौसम कैसा है, यहाँ से कितने फासले पर है, उसका सड़क कैसा है, ये सब मैंने आपको बताना है। मौसम ख़ज़ाम है, इसके नज़ारे कैसे हैं, क्योंकि गर्मियों में जून जुलाई अगस्त में वहाँ के नज़ारे इंतहाई शानदार होते हैं, लश ग्रीन होते हैं, लेकिन इन दिनों वहाँ क्या सूरत हाल है, मेरे साथ रहे, मैंने आपको दिखाना है दारेल वैली। देखे तो पथरीले पहाड़ है, पत्थर है, इसमें मिट्टी है, पत्थर है, और रोड तंग है लेकिन पुख्ता है। अगर आप सामने देखें दारेल गयाल में हम मौजूद हैं, वो जो सामने आप देख रहे हैं इसको गड़ी कहते हैं मुकामी जबान में। ये हम दारेल पुगच पहुंच गए हैं। अगर आप देखें तो दारेल वैली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मौसम ख़ज़ाम में इसका बिल्कुल मुनफरिद नज़ारा है, खूबसूरत और दिलकशी बादल। अगर आप देखें हल्की हल्की बारिश हो रही है और महबूब अली जो है ना वो आ रहे हैं यहाँ पर। महबूब अली, आपको कैसा लगा दारेल वैली? अगर हम ये कहें कि जहाँ पे कुदरत ने इसके हुसन में अपनी भरपूर फयाजी का मुजाहरा किया है, तो यकीन ये दारेल वैली है। मतलब आप तसव्वुर कर सकते हैं कि खजाक की इस मौसम में पानी बह जो है बह रहा है, साफ़ शफाफ पानी है, पत्तों के मुख्तलिफ रंग जो है वो भी आप देख सकते हैं, पतझड़ की इस मौसम में मौसम जो है बेशक इंतहाई ठंडा मौसम है, लेकिन हम इसको इंजॉय भी कर रहे हैं साथ साथ में। ब्यूटी जो है वो एक्सट्रीम लेवल पर है,
इन पहाड़ों पे आप देखें कि इस वक्त बादल काफ़ी नीचे आए हुए हैं और बिल्कुल पहाड़ों के टॉप पे इस वक्त हल्की बर्फबारी भी हो रही है। ये हालात है और ये हुसन है इस वादी का, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर इस वादी का एक दफ़ा चक्कर लगाना जो ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर आप देखें तो बेहतरीन नज़ारे, बेहतरीन मौसम और बीच में बहता हुआ ये नदी, जो यहाँ के जो मौसम है और यहाँ के जो नज़ारे हैं वो पूरे गलगित बल्तिस्तान से मुख्तलिफ तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये कुला वादी है, बहुत ही बेहतरीन वादी है। दारेल वैली में हमारा सफ़र जारी है। अगर आप देखें तो पतझड़ का मौसम आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। प्लोइज का मौसम, दारेल वैली हम पहुंच गए हैं। कोलियज के खूबसूरत नज़ारे हैं। अगर आप इन दिनों आते हैं इस वैली में तो आपको कोलियज के बेहतरीन नज़ारे मिलेंगे। कोलियज यानी मौसम खजां, पतझड़ का मौसम। गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, टायर पंचर होने की वजह से यहाँ मुश्किलात हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। बच्चियां देखें, दारेल बाजार, दारेल बाज़ार। यहाँ पर रिहाइश के लिए कोई होटल मौजूद नहीं है। आज बिल्कुल आज सुबह जब हम उठे तो पहाड़ों पर हमने देखा कि दारेल में मौसम सरमा की पहाड़ों पर पहली बर्फबारी हुई। मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं, अगर आप देखें तो बिल्कुल पहाड़ जो है ना वो सफ़ेद हो गए हैं और हर तरफ जो है ना पहाड़ियों की चोटी पर बर्फ नज़र आ रही है और बीच में मौसम खज़ां तो सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हुआ है और बहुत ज़्यादा मतलब सर्दी जो है ना वो शुरू हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा ये ऑटम आपको दिखाऊँ, ये अगर आप देखें तो बेहतरीन मौसम खजा के जो नज़ारे हैं वो इस वक्त है। और आप जब आते हैं तो तैयारी के साथ आए, यहाँ के लोग इंतहाई मेहमान नवाज है, बहुत खुश अखलाक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता और पढ़े लिख के लोग यहाँ पर मौजूद है, वो आपके इस्तकबाल करेंगे। मेरे साथ रहे। अच्छा, यहाँ दारेल में अगर आप देखें तो ये रिवायती इनका एक गाना है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा।
ये छोटे गोश है या बड़ा गोश है? बड़ा गोश है, ये बीफ है, बीफ है। और ये अगर आप देखें तो ये पूरा इस तरह ये है, तो यहाँ पर लोग आके खाते हैं। और ये बिल्कुल सादा, मतलब इसमें कोई मसाला वगैरह नहीं है। तो आप ये बताइए कितने का आप प्लेट देते हैं, किस तरह देते हैं? 150 का प्लेट है। 150 का? अच्छा, और ये कौन से गोश होता है? भैंस का। अच्छा, तो यहाँ पर ये लोग पसंद से खाते हैं, शौक से खाते हैं? शौक से खाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बाबा आपका नाम क्या है? गुलाम। अच्छा, तो आप ये गोश्त खाने के लिए आए हो? ये ताकतवर है और सर्दी से बचाव भी है। जी, इस वक्त मैं दारेल में मौजूद हूँ और दारेल के बारे में तरह तरह की बातें आपने सुनी होगी। दारेल एक खूबसूरत वैली है, यहाँ अगर आप मौसम ख़ज़ा में आते हैं तो इसका डिफरेंट नज़ारे है, अगर आप मौसम बहार में आते हैं तो डिफरेंट, और गर्मियों में अगर आप आते हैं तो बिल्कुल मुख्तलिफ, यानी हर मौसम में इसका कलर, इसकी खूबसूरती मुख्तलिफ हो जाती है। इस हवाले से आपने ये भी सुना होगा कि यहाँ के लोग कैसे हैं, तो ये हमने जानना है। यहाँ इस वक्त हमारे साथ मुकामी सहाफ़ी इम्तियाज़ मौजूद है, इनसे जानते हैं। इम्तियाज़, हम आपको वेलकम कर रहे हैं, आप टाइम दे रहे हैं। आपसे ये जानना चाहते हैं कि लोग ये बातें करते हैं कि यहाँ न जाए, ये जो दारेल वैली है ये बहुत ही ख़तरनाक है और तरह तरह की बातें की जाती है, पहले तो इस हवाले से बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त दिया। तो ये गलत प्रोपेगंडा है, हमारा जो गलत इमेज आगे पेश कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। यहाँ के लोग बहुत पुरअमन है, बहुत खूबसूरत वैली है, यहाँ विजिटर्स आए, और इससे पहले का जो था यहाँ मीडिया सिस्टम नहीं था, और इसका जो मुस्बित पॉजिटिव जो इमेज था वो दुनिया के उजागर करने के लिए इस तरह के इकदाम नहीं की जा रहे थे। तो यहाँ पे लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियादी जो सहूलत है उनकी कमी है, एजुकेशन के हवाले से बहुत सारी कमियाँ हैं। अभी पहली दफ़ा यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल की क्लासेस चल रही है, तो इन सारे लोगों का रुझान भी एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है, और बहुत पुरअमन, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं सर। अच्छा, ये भी जानना चाहिए कि मसाइल क्या है सर? यहाँ तो सबसे बड़ा जो इशू है हेल्थ के हवाले से है, सेहत के बुनियादी मसाइल का शिकार है। यहाँ पर पूरी इस वैली के लिए दारेल 80,000 आबादी है, वहाँ जो दारेल तहसील है वहाँ पर एक एमओ तैनात है सर सिर्फ, और वहाँ 10-बेड हॉस्पिटल है, 30-बेड हॉस्पिटल बनी है, उसको फंक्शनल नहीं किया गया है अभी तक, वहाँ कोई स्टाफ तैनात नहीं किए गए हैं, इसलिए सेहत का सबसे बड़ा मसाइल सेहत के है। दूसरे रोड के मसाइल सर, रोड छतियाल से आप होते हुए आए हैं, इंतहाई 2008 से अब तक वो तकमील हो नहीं पा रहा है, खंडरात के खंडरात बने हुए हैं, इंतहाई तकलीफदा सफ़र यहाँ से हमारे आवाम तय करके चिल्ला जा रहे हैं सर। अच्छा, ये भी जानना चाहें कि तारीख के हवाले से यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं? सर, तारीख़ के लिहाज से तो दारेल बहुत पुरानी आबादी है, यहाँ बुद्ध मत की 700 साल कबल मसीह यहाँ बुद्ध मत यूनिवर्सिटी थी, यहाँ फूज के मुकाम पर, जहाँ पूरी एशिया से बुद्ध मत जो कम्युनिटी थी वो एजुकेशन के लिए, आला तालीम के लिए यहाँ आते थे, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी सर। अच्छा, ये भी बताएं कि यहाँ पर ये जो इलाका है, अगर सयाह यहाँ आते हैं तो उसको आप वेलकम करेंगे, आप लोग इसको खुशामदीद कहेंगे? बिल्कुल सर, हम दिल से उनको खुशामदीद कहेंगे, उनके साथ हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको जगह अच्छी अच्छी खूबसूरत विलेज उनको घुमाते हैं, उनको खाना पीने का निज़ाम, उनको कन्वेंस का निज़ाम हम खुद बराबर के, जब से वो जो भी दारेल से पुल से इंटर होता है वो हम सबका मेहमान होता है, और जिसका मेहमान होता है पूरे हम दारेल वाले वैली वाले मिल के उसको वेलकम करते हैं। कोई ऐसी शरपसंद अनासर यहाँ मौजूद नहीं है, बिल्कुल पुरअमन लोग हैं, मुहिब वतन पाकिस्तानी है, और जो हमारे विजिटर्स जो हमारे सियाह जो हमारे मेहमान यहाँ आते हैं हम दिल से उसको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने इम्तियाज़ की बातें सुनी, इम्तियाज़ की बातें बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि इनकी मेहमान नवाजी मैंने भी देखी है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई। मैं थोड़ा सा इस वक्त आपको मौसम दिखाऊँ, अगर आप देखें तो बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है, इस वक्त आप देख सकते हैं पहाड़ों पर वक्त वक्त से बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है, और यहाँ जो दारेल शहर है यहाँ पर मतलब बारिश जो है ना वो भी वक्त वक्त से जो है ना सिलसिला जारी है। मौसम अगर खजा का आप देखें तो ये लाल पीले पत्ते, पतझड़ का मौसम अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शानदार है।